बिग बॉस सीजन 13 का वो दमदार सफर खत्म हो चुका है, लेकिन उनके कंटेस्टेंट अभी भी आपको एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, कलर्स टीवी पर नया शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है मुझसे शादी करोगे। कल शो का प्रीमियर था, तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं कल के उस खास प्रीमियर के एपिसोड का हाईलाइट। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कल का एपिसोड किस कदर खास रहा। तो आपको बता दें कि शो के होस्ट हैं मनीष पॉल, उनकी एंट्री होती है धमाकेदार अंदाज में, देन वो शहनाज गिल को करते हैं इंट्रोड्यूस और शहनाज गिल अपनी पूरी जर्नी के थ्रू आउट जैसा उनका विचार रहा है, जैसे उनकी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बॉन्डिंग रही उसी को यहाँ पर वो फोकस में रखते हुए कहती है कि उन्हें उसी तरीके का एक दुल्हा चाहिए और वो यहाँ पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती है। इसके बाद शहनाज गिल के लिए एक एक करके दुल्हों का आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है रोहन प्रीत की, जो कि शहनाज गिल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो शहनाज को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाते हैं दिल दिया गल्ला, और इसके अलावा ढोल पर ये लोग शहबाज, शहनाज, रोहन प्रीत और मनीष पॉल डांस करते हुए नजर आते हैं और उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद एक एक करके और कंटेस्टेंट्स की एंट्री होती है। इसके बाद एंट्री होती है पारितोष की, वो एक शराबी के अवतार में यहाँ पर आते हैं और खूब धूम मचाते और कहते हैं कि मैं शहनाज से प्यार करता हूँ, मैंने इसको प्रपोज किया था लेकिन इसने मना कर दिया। और इस तरीके से यहाँ पर शराबी के अवतार में वो यहाँ पर ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा हंसाते गुदगुदाते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है शहनाज के अगले दुल्हे की, जो कि होते हैं पैराग्लाइडिंग वाले शख्स, और यहाँ पर शहनाज गिल को इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं, उनके इशारों पर नाचते हुए दिखते हैं। उनका ये सफर आगे बढ़ता है और फिर एंट्री होती है पारस छाबरा की। पारस छाबरा यहाँ पर अपनी डांस परफॉर्मेंस के साथ धमाकेदार एंट्री मारते हुए नजर आते हैं और फिर उनके इंट्रोडक्शन के बाद शुरुआत होती है उनके लिए दुल्हन आने की। यहाँ पर उनकी पहली दुल्हन आती है जो बेहद ही प्यारी स्वीट फेस्ड होती है और पारस छाबरा को इम्प्रेस करती हुई नजर आती है। यहाँ पर पारस और संजना डांस करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि पारस भी उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से इनका ये सफर आगे बढ़ता है। फिर एंट्री होती है बलराज की। बलराज भी यहाँ पर शहनाज गिल को इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर ऑडियंस को खूब हंसाते गुदगुदाते हैं और यहाँ पर खूब धमाल मचता है। शहनाज गिल उनको गाटे की टक्कर देती हुई नजर आती है और कहती है कि ऑलरेडी मैंने एक पंजाबी को पसंद किया है, एक और पंजाबी। मनीष पॉल भी इस दौरान बलराज का साथ खूब निभाते हुए नजर आते हैं और इस दौरान खूब धमाल मचता है। शहनाज गिल बलराज को भी ब्रेसलेट पहनाकर उन्हें अपने दुल्हे के तौर पर चूज करती है और आगे सफर यूं ही बढ़ता रहता है। इसके बाद एंट्री होती है हिना पांचाल की, वो मलाइका अरोड़ा के अवतार में नजर आती है और अपने हॉट एंड सेक्सी डांस अवतार से सभी को इम्प्रेस करती हुई दिखती है और अपनी बेधड़क बातों से पारस छाबरा को इम्प्रेस करती हुई नजर आती है और यहाँ पर पारस छाबरा उन्हें भी पसंद करते हुए दिखते हैं और यहाँ पर पारस छाबरा उन्हें भी सिलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद संजना और हिना के बीच में अच्छी खासी बहसबाजी नजर आती है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटे की टक्कर देते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये मुझसे शादी करोगे शो का प्रीमियर का हाईलाइट था। तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस शो से जुड़े हर एक अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाने वाले हैं, तो सारी खबरों से एपिसोड से अपडेट रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।